निकाह करके फिर फैसला कि मैं इसको लेके जा रहा हूँ हम गए हैं तो मेरे पास कोई कपड़े नहीं थे कुछ नहीं था यू you नो know? और मुझे कभी शौक नहीं था लाइमलाइट में आने का मैं मुझे अभी भी ये निकलेंगी बच्चे लेके लाहौर चली जाएंगी खुद ही अकेली <laughs> ड्राइवर के बगैर गाड़ी चलाती हुई बस पागल होता है ना थोड़े से आई स्टार्ट ड्राइविंग मैन आई वॉज नॉट इवन थर्टीन ईयर्स ओल्ड मैं क्यों किचन में अपने आप को सड़ाऊँ तो <laughs> गुलवानी होना तो मेरे आगे मीठा रख दे Welcome back to Momina's mixed plate. In the studio with me, I have Sana Fessel here. Sana is married to actor Fessel Qureshi, and she herself is a blogger. She has a page where she talks about her children, like she, like, presents her entire life. Uh, she has a lot of like uh, tips and tricks on how to raise kids, like on what she does, how she plays around with them. So she's one of those few celebrity wives who's created and carved an entire space on social media for herself like completely independent from her husband and completely independent from the industry. So I'm very interested to know about who she is, uh, how she does her, goes about her day, how she raises her children and what it's like to be married to Faisal Qureshi. Stay tuned till the end of the video so you can catch the entire episode. Don't forget to subscribe to the channel, hit the notification bell so you can be part of the Momina's Mixed Plate family and let's welcome on Sana Faisal. हेलो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑफ कोर्स मीस एंड आपने इंट्रोडक्शन तो बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा दिया है नहीं तो वो इंट्रोडक्शन था थैंक यू सो मच मैं कोशिश अब मेरी थोड़ी सी ज्यादा हो गई है यू you नो know? hmm. मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है एंड या दिस इज राइट फैसल की यू नो ही हैज हिज ओन आइडेंटिटी एंड हिज ओन स्पेस

Uh, send in questions for their favorite celebrities. Okay. So the lady who sent a question in for you uh, is Bina Amir Khan, okay. and she's asking, "Have you ever thought about acting?" Uh, honestly, not really. But recently, I thought that okay because I get a lot of a lot of questions on social media. But the thing is, you need time for that. My husband does the same thing. आई नो उनकी जॉब कितनी लंबी हो जाती है कोई आवर्स नहीं होते उनके कोई पर्टिकुलर तो फिर बच्चों को और घर को फिर टाइम देना तो मेरी प्रायोरिटी पहले ये है हाँ अगर मुझे कोई छोटा ऐसा हो जैसे टेलीफिल्म होती हैं या कुछ ऐसी चीजें छोटी आई एम जस्ट इट लेकिन कोई ऐसी चीज में तो मुझे बहुत कम टाइम लगे सो तो जो मैनेजेबल हो hmm. पर ड्रामा तो फॉर श्योर नो एब्सोल इतना लंबा टाइम है बजे तक चल रही होती एंड लाइक Uh, like delays mm -hmm. are Like I mean, yes. you know, uh, you're so dependent on the weather, on the climate, yes. on everything yes. around you. You know, like and at it. least ten to eleven hours per day. I cannot do that. I cannot. Yes. I mean, it's a it's a tough one. It's a tough one. Yeah. Hmm. So tell me, like, how did you and Faisal meet? We met at a wedding. Uh, मेरी कज़न की शादी थी तो वहाँ पे हम मिले और बस आई थिंक फ़ैसल वांटेड वॉन्टेड टू सेटल डाउन और उस वक्त uh, मेरा कुछ ऐसा वो सीन नहीं था बट ही अप्रोच्ड एंड देन आई वॉज लाइक मुझे थोड़ा सा वही फियर था यू you नो know, वो जो एक चीज़ होती है कि शोबे से क्योंकि क्योंकि मेरी फैमिली में कोई शोबे से नहीं था नहीं। कोई उस तरह से कोई बैकग्राउंड नहीं था कुछ भी नहीं था तो आप एक बिल्कुल बाहर से आए तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना भी एक थोड़ा सा मेरे लिए शुरू में थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आती थी mm. तो लेकिन मेरे पेरेंट्स को भी यही कंसर्न था बट ही वॉज लाइक नो जो सारे अफेयर्स एक पेरेंट्स के होते हैं ना जो उन्होंने सवाल की और फिर उन्होंने जिस तरह से सेटिस्फाई किया सो mm. so, बस फिर वो इतनी अचानक से हो गई ना लाइक विद इन अ वीक फिर शादी भी हो गई oh, wow. जैसे हम जैसे मेरी खाला यूके से आई हुई थी तो माय फादर चलो खाला की जरा ओपिनियन को भी जरा देखते थे तो वो जाके मिली है फिर शी फादर एंड फैमिली तो यही शोबिस वाला सीन था कि ये रिलायबल नहीं होते लोग आपको पता है जनरली अप्रोच यही होती है कि पता नहीं किस तरह से होते हैं लोग क्या होते हैं तो वही बात थी और आपका कोई बैकग्राउंड ना हो तो फिर तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट तो माई खाला, then, खाला like कि मेरी तो फ्लाइट है दस दिन में तो मेरे होते होते शादी करें <laughs> तो बस उस तरह से हमने डिसाइड किया कि निकाह होगा बट निकाह वाले दिन जैसे ही निकाह हुआ ना फैसल कहते हैं ओके okay, मैं तो उसको लेके जा रहा <laughs> <laughs> तो सो तो ड्रामेटिक एंड या uh, yeah. तो मैं कुछ भी नहीं लेके गई थी कराची

This मुझे तो पहले फैसल को ही थोड़ा सा आपको पता है शादी चाहे आपकी सेलेब्रिटी से हो या किसी से भी हो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है टू एडजस्ट टू yeah. सेटल डाउन तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगा था और ज़्यादा टाइम तो यही अंडरस्टैंड करने में लगा था कि इनके वर्क आवर्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं और मुझे कभी शौक नहीं था लाइम में आने का मैं मुझे अभी भी उस तरह से नहीं है बट

और जबकि फिर भी नहीं जाती थी शूट पे लेकिन ऑब्वियसली अच्छा, आपको ये चीज पता है अच्छा कभी भी मैं बहुत कम शूट पे जाती हूँ और अभी भी अब तो इसलिए थोड़ा सा जाना हो जाता है क्योंकि बच्चे होते हैं फैसल बैक टू तो बैक अगर शूट पे है तो इज मिसिंग किड्स बच्चे स्कूल से आ गए हैं नैप लेके उठ गए हैं शाम को थोड़ा सा फ्री टाइम है तो इनको कहीं कहीं जाना है तो आप शूट पे मैं थोड़ी देर के लिए इनको ले जाती हूँ So nice. शुरू में उन्होंने मुझे कोई चीज तो uh, you know, ऐसी मुझे रमजान ट्रांसमिशन में एक सेगमेंट भी उसने लास्ट ईयर किया था

एंड आई टेल पीपल कि वट एम डूइंग वट एम अबाउट टू डू और इस तरह की चीज़ें तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है आप तो हाँ। मैं सोचिए उसको थोड़ा सा ना प्रोफेशनली हम कर दूँ बिकॉज़ फरमान इज ग्रोइंग और फरमान की चीज़ें इतनी इन्जॉय करते हैं एंड आई एम ऑल्सो इंजॉइंग एज अ मदर

तो आप उनको नहीं जिनके बच्चे हैं यू यू नो नो आई दैट दैट थिंक मैटर मैटर या बट मैं जनरल बात कर रही हूँ इस तरह की छोट छोटी छोटी चीजें yeah. और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें hmm. तो वो इट्स वेरी वेरी मच फन एंड इंटरेस्टिंग अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो सरा के बारे में इन्होंने मुझे बताई और मैंने फिर मैं बहुत इंट्री हुई और मैं तो इस बारे में बात अब करूंगी

तो फिर हमने सोचा कि चलो लेट्स ट्राई दिस तो उस चक्कर में सो so, और जहाँ तक ये बात है यस आई लव ड्राइविंग आई इन्जॉय दैट और अभी मैं फैसल को भी यही कही थी मेरा बहुत दिल कर रहा है मौसम बहुत अच्छा है मुझे ट्रैवल करना है गाड़ी हाँ. पे फैसल के चुप करके बैठ जाओ हूँ तो <laughs> <laughs> What's the one thing thing that that you 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 guys guys have in common? Like, do you guys have, like, things in common? common Like, like do things that

हाँ. तो बस मुझे वही टाइम मिलता है पहले तो हम साथ देखते थे अब तो हम टाइम मैनेज कर लेते हैं कि मैनेज हो गया तो ठीक है, है, <laughs> है।, यही यही है या हम फैसल के ना uh, so से भी आया ना आई फील लाइक गोइंग आउट समवेयर तो कहेंगे हाँ चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ तुम तैयार हो जाओ फिर नीचे से ही चलते हैं तो मैं आऊंगा बाहर और यू uh, नो you know, फिर घर पे वो टाइम ना लगाए कुछ तो मैं आ रहा हूँ तो बस तुम बच्चे लेके नीचे आ जाओ फिर चलते हैं सो so, यार yeah, हम इस तरह से बाहर निकल गए ड्राइव कर ली uh, कहीं खाने पे चले गए मीठा so, uh, <laughs> 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 मुझे अगर आपने कोई चीज मुझसे उगलवानी हो ना तो मेरे आगे मीठा रख दे

Oh उनको God. भी हर चीज धुलवाने का, का शौक है मुझे हर चीज धोने का शौक है मुझे हर चीज हर चीज को धो दो फैसन ने तो मेरा नाम धोबन रखा हुआ है आई 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 मीन या आई विल टेल यू लाइक सम फनी स्टोरीज आफ्टर द शो बट लाइक इट्स लाइक वाओ गॉट इट मैं तो कहीं कहीं से बाहर से बच्चे Sofa भी धो कभी अभी मैंने रिसेंटली सोफे के सारे कवर्स उतरवा के सारे धोए हैं सारे धुलवाए हैं सारे कुशन कवर्स आई डोंट लाइक बहन है यस yes, और मैं हर चीज बच्चों की हर चीजें हर चीज बैग स्कूल बैग्स भी हर दो महीने के बाद उनके धुल जाते हैं मुझे बहुत धोने का शौक है एक दफा हम भूरबन गए और वहां पे अगले दिन मैं इतनी बोर हो गई मैंने फैसल का चले मार्केट चलते मैं वहां से सर्फ लेकर मैं कपड़े धोना शुरू कर तो मैं कभी क्या

And I loved it. Thank you, thank so, you so much. Thank, thank you so you. much. And I hope you guys enjoyed the segment. Please don't forget to subscribe to the channel. Hit the notification bell so you can be part of the Woman as Mixed Plate family. And I'll see you next time. Take care.